विष्णुप्रियाय नमो नमः, हरिप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः, ॐ महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियाय नमो नमः, हरिप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः, ॐ महालक्ष्मी
कोई कष्ट न होई
माता लक्ष्मी की अत्यंत पावन अमृतमय स्तुति सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य स्तुति का जो भी भावपूर्वक श्रवण करता है उसका जीवन समस्त सुख और वैभव से भर जाता है। तो आइए माता लक्ष्मी की पावन स्तुति सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। जय माता लक्ष्मी जग जननी, जय संकट हरनी सुख करनी, महिमा अपरंपार तुम्हारी, तुमको पूजे सब नर नारी। जिस पर तुम करुणा करते हो उसके भंडारे भरते हो, जो भी प्रेम सहित गुण गाए भोजन मन वांछित फल पाए। शीश मुकुट मणियों का सोहे, दिव्य छटा मन मोहे, गले पड़ा रत्नों का भूषण, अंग अंग में है आभूषण। निर्मल कीर्ति सकल जग छाए, निर्धनता
ऊर्जाधारी हो अम्बा नारायणी नित्य जगदम्बा। कमल पुष्प है अति शुभ आसन, कमल सदा ही माता है मन। सूर्य समान है जगमग ज्योति, तीन लोक में जय जय होति। जय अविनाशिनी जय महामाया, सुख वैभव की शाश्वत छाया। धरा और पाताल निवासिनी जय माता, सुरपुर की वासिनी। रिद्धि सिद्धि की तुम हो दात्री, तुम हो माता भाग्य विधाता। श्री परम शक्ति कल्याण प्रदायिनी, पुण्य राशि सौभाग्य की दायिनी। नारायण की तुम हो प्यारी, तुम पर निर्भर सृष्टि सारी। ज्ञान और विज्ञान तुम्ही हो, बुद्धि विवेक महान तुम्ही हो। तुम ही हो विद्या की देवी, संत आदि मुनियों से सीधी। जम कुबेर ने तुम्हें मनाया, तब उन पर की करुणा दाया। धन का कोषाध्यक्ष बनाकर, मान बढ़ाया है अपना कर। जय माता परमेश्वरी, सृष्टि की आधार, तुमसे ही तो चल रहा ये सारा संसार। भक्त जनों, समस्त ब्रह्मांड की मूल शक्ति माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी ही समस्त सृष्टि को संपन्नता, समृद्धि और विकास प्रदान करती है। आइए अब सुनते हैं तो प्रेम से बोली भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। देव दैत्यों ने जब मिलकर मंथन किया सिंधु का जाकर, तब सागर के जल से बाहर प्रकट हुई माँ लक्ष्मी आकर। ब्रह्मा ने एक सभा बुलाई, भीड़ बड़ी ही उसमें आई। वरमाला हाथों में लेकर पहुंची मात सभा में जाकर। नारायण को कहीं ना पाया, भाव सहित तब ध्यान लगाया। प्रकट हुए साकेत बिहारी, स्वामी चक्र सुदर्शन धारी। पास प्रभु की माने जाकर, वरण किया माला पहनाकर। चहुं ओर आनंद है छाया, देवों ने जयकार लगाया। अष्ट रूप जो माँ का ध्यावे, सुख संपत्ति समृद्धि पावे। श्रवण कराती हूँ गुण गाकर, सुनो सभी जन ध्यान लगाकर। प्रथम रूप अज्ञान मिटाए, धन लक्ष्मी ये तो कहलाए। धन का नहीं अभाव रहेगा, जो माँ का यह नाम कहेगा। ऋण से छुटकारा पाओगे, कभी कहीं ना घबराओगे। माँ लक्ष्मी की महिमा गाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। यश लक्ष्मी है द्वितीय रूप, माता का यह रूप अनूप। यह स्वरूप सम्मान बढ़ाए, भक्तों का सौभाग्य जगाए। आयु लक्ष्मी माँ का ध्यान, सदा सदा करता कल्याण। रोग दोष से मुक्त कराए, आयु को यह रूप बढ़ाए। वाहन लक्ष्मी को ध्याओगे, मन चाहा वाहन पाओगे। पूरा होगा हर एक सपना, सारा काम बनेगा अपना। स्थिर लक्ष्मी मात से घर में उन्नति हो, कमी किसी भी वस्तु की कभी रहे ना कोई। भक्तजनों, जिस व्यक्ति के पास धन ना रुकता हो, उसे माता स्थिर लक्ष्मी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। इनकी दया दृष्टि से घर में लक्ष्मी की सदैव स्थिरता बनी रहती है। अब आगे सुनिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। सत्य लक्ष्मी माँ का वंदन, सुखी करे भक्तों का जीवन। माँ की सेवा में खो जाओ, चिंताओं से मुक्ति
भजन करे वो आज्ञाकारी सुत को पावे। दंपति जीवन में हर सावे। गृह लक्ष्मी माता की भक्ति देती है ऐसी नव शक्ति। घर में रहे सदा खुशहाली, सदा मने होली दिवाली। जिसके पास नहीं घर अपना, शीघ्र पूर्ण हो घर का सपना। पथ में बाधा कभी न आए, सारी कठिनाई टल जाए। जय जय भागेश्वरी भवानी आदि शक्ति, जय जग कल्याणी विश्व विकासिनी। जय जग माता पतित पावन मोक्ष प्रदाता। भो देवी स्वरूप जब धारा, तब सब जीवों को धारा। बन के करुणा जग में छाई, वेदों ने है महिमा गाई। श्री देवी का रूप तुम्हारा, करे सकल जग में उजियारा। दुख दरिद्रता दूर भगाए, माने और सम्मान बढ़ाए। देव लोक के वैभव सारे है मैया जी हाथ तुम्हारे। इंद्र हमेशा तुम्हें मनाते, भाव भक्ति से गुण को गाते। जिस पर कृपा तुम्हारी होती, बरसे उस घर हीरे मोती। अमित रूप धर कर के माई, कण कण में हो तुम्हें समाई। तुम ही तो ब्रह्मांड को देती हो विस्तार, तुम ही सारे सृष्टि की हो मां पालनहार। भक्त जनों, माता लक्ष्मी ही सृष्टि का सृजन और पालन करने वाली मातृ शक्ति है। इनकी दया के बिना दुख और दरिद्रता का अंत कभी नहीं होता। तो आइए भावपूर्वक माता के गुणों का गान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। उल्लू है माता का वाहन, जो रखता निर्भीक सदा मन। कभी किसी से भी ना डरता, सदा ही माँ की सेवा करता। राजा हो या रंग भिखारी, या कोई भी हो नर नारी। जो भी मन का ध्यान लगाए, वह मन वांछित फल को पाए। माँ का नाम सुखों का सागर, सभी गुणों में है ये आगर। माँ का नाम है अमृत प्याला, सबसे अच्छा और न्याला। इस अमृत को जो पीता जीता है, इसमें है सर ज्ञान समाया। जिसने पिया वही हर साया। मीठा है इस अमृत का रस, उन्नति है सब इसके ही बस। इस अमृत में सार छिपा है, जीवन का आधार छिपा है। शत्रु पराजय कर ना पाए, जिसके मन यह अमृत भाए। यह सबसे नाम प्रभाव विकार मिटाए, दिव्य ज्ञान प्रकाश फैलाए। माँ लक्ष्मी का नाम उचारो, भक्तों अपना भाग्य सवारो। तन मन पावन हो जाएगा, जन्मों का अंत हो जाएगा। इस गंगा के तट पर आओ, करो स्नान और डुबकी लगाओ। जिसने इस गंगा में नहाया, उसने परम शांति है पाया। जो जितना गहरे में जाता, वह उतना ही सुख है पाता। रोम रोम में नाम बसा लो, अंतर मन में ज्योति जला लो। सांसों की मालाओं में भी नाम जपो बस माता का ही। परम औषधि का जगत में है माता का नाम, इसको सदा भजा करो, बनेंगे सारे काम। भक्त जनों, इस असार संसार में यदि कुछ सत्य और शाश्वत है
तो वो है माता लक्ष्मी का नाम, जो दुखी और अस्थिर मन के लिए एक संजीवनी की भांति है। माता लक्ष्मी का नाम समस्त कष्टों और विपदाओं से मुक्ति दिलाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो प्रेम से बोले भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। जिसने माँ के नाम को साधा, मिट गई उसकी सारी बाधा। माँ मंगल करने वाली है, शक्ति शारदा और काली है। संकट उसके निकट न जाए, जो माता को सदा मनाए। माँ ममता की प्यारी मूरत, करुणामय है इसकी सूरत। जिसके पास नहीं है उसने जीवन व्यर्थ गवाया। इस कारण माँ के हो जाओ, माँ की भक्ति में खो जाओ। आँखों में ना आंसू आएंगे, दुश्मन भी गुण को गाएंगे। चेहरे पर मुस्कान सजेगी, घर में मीठी तान बजेगी। रोज रोज त्योहार मनेंगे, सब प्रकार पकवान बनेंगे। शीश कभी भी नहीं झुकेगा, काम न कोई कहीं रुकेगा। नाम भवर में ना उलझेगी, स्वयं समस्या सब सुलझेगी। दैहिक दैविक भौतिक ताप मिट जाएंगे सारे पाप। मोह आदि भ्रम जाल हटेंगे, गम के काले मेघ छटेंगे। माँ की भक्ति कल्प लता जिसको भी यह बात पता है, वह निश्चित सदा रहता है। बस जय माता दी कहता है। देव यक्ष गंधर्व निशाचर, जड़ चेतन प्राणी सचराचर। जिसने माँ को उर में धारा, उसको माँ ने दिया सहारा। भटके को माँ राह दिखाए, स्वयं लक्ष्य तक लेकर जाए। निर्बल माता के दर जाकर, निर्भय हो जाता बल पाकर। तीन लोक चौदा भुवन करे सदा जयकार, माँ की शक्ति अनंत है महिमा अपरंपार। भक्त जनों, वैसे तो प्रत्येक दिन माता का ही बनाया हुआ है, परंतु शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का विशेष प्रिय दिन है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करने वाले अपने जीवन में समस्त सुखों को पाता है और अंत में माता लक्ष्मी की दया से परम पद को प्राप्त होता है। बोली माता लक्ष्मी की जय। शुक्रवार है माँ को प्यारा, जाने से चराचर सारा। जो इस दिन माता को ध्याए, सुख समृद्धि उसके घर आए। जीवन में यदि हो कठिनाई, शुक्रवार व्रत बने सहाय। शुक्रवार का व्रत जो करता, रोग दोष दुख उससे डरता। शुक्रवार को प्रातः उठकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, घर को अपने स्वच्छ बनाए। फिर स्नान ध्यान पर जाए, पावन जल से खूब नहाकर, धरती पर आसनी बिछाकर, माँ लक्ष्मी का मंत्र उचारे। व्रत संकल्प हृदय में धारे, फल को ही आहार बनाए। नमक भूल से भी ना खाए, सम्मुख चौकी एक लगाए। उस पर कपड़ा लाल बिछाए, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख के, धूप दीप से पूजा करके, खीर अराबड़ी भोग लगाए। फिर माता के गुण को गाए, उद्यापन का दिन जब आए, सुहागिनों को घर बुलवाए। भली भांति भोजन करवा कर, करे विदा फिर शीश झुका कर। नियम सहित जो इसे निभाए, घर में चौमुख दीप जलाए।
शीश पर भंडारे को देती है वर। होती है व्यापार में वृद्धि, बढ़े प्रतिष्ठा शक्ति समृद्धि, घर परिवार सदा हर साए, मंगल समाचार नित्याए। होती है गंदगी जहाँ पर, माता रुकती नहीं वहाँ पर, जहाँ सफाई होती हारी वही रहे माँ हरी की प्यारी। जो यह अमृत वाणी गाए वह भव सागर से तर जाए, गीतकार सानंद सदा ही महिमा गाता लक्ष्मी माँ की। कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्री ओम महालक्ष्मी नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। भक्तजनों, आज हम आप सबको माता लक्ष्मी की अति पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन विधि पूर्वक माता की पूजा अर्चना करने वाले समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो आइए भक्तों, भावपूर्वक माता के कथाओं का गान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय हो। माँ की महिमा अति सुखकारी, माँ की भक्ति मंगलकारी। नावे जनों, अब हम आप सबको माता लक्ष्मी के अवतार और इनकी महिमा के गाथाओं का श्रवण कराने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके संजीवनी विधा प्राप्त कर ली, तो उनकी शक्तियों के बल पर दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता और दैत्यों में महायुद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ के अनेकों सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विधा से मृतक दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया, परंतु देवताओं के पास ऐसा कोई उपाय नहीं था, जिस कारण उनकी संख्या निरंतर घटती गई और अंततः वे इस महायुद्ध को हार गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय हो। प्राण बचा कर के सब भागे पहुँचे श्री
विष्णु के आगे विष्णु बोले कि सागर मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको पी करके सब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, परंतु इस काम में तुम्हें दानवों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। प्रभु की आज्ञा मानकर सभी देवता दानवों के पास गए और अमृत का लालच देकर उनको भी अपने साथ मिला लिया। मंदराचल पर्वत को, मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर सभी समुद्र का मंथन करने लगे। जब मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के अथाह जल राशि में डूबने लगा, तो देवों के विनती पर भगवान विष्णु ने कश्यप का रूप लेकर मंदराचल के भार को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय हो। कालकूट विष बाहर आया, चहुं दिशि हाहाकार मचाया। इस प्रकार से हाथों में सुंदर सुगंधित फूलों की माला लेकर सागर के गर्भ से माता लक्ष्मी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के आदेश से एक सभा बुलाई गई, जिसमें माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को माला पहनाकर पति रूप में उनका वरण कर लिया। अब माता लक्ष्मी की महिमा को सुनिए। किसी शहर में शीला नाम की एक स्त्री धर्मपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसका पति भी बहुत ही सुशील और विवेकवान था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय हो। दोनों भजन सदा थे करते, पाप बुराई से थे डरते। भ्रम है छाया, गलत संग में
शीला के पति पर गलत संगत का असर इस प्रकार से हुआ कि वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की सपने देखने लगा। फलस्वरूप उसने गलत रास्तों को अपना लिया और कंगाल हो गया। एक दिन शराब के नशे में जुआ खेलते हुए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के वर्ताव से बहुत दुख हुआ, परंतु वह ईश्वर पर विश्वास करके सब कुछ सहने लगी और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की भक्ति में बिताने लगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो एक रोज एक माझी आई द्वारे पर आवाज लगाई। शीला उस माझी को आदर सहित अपने घर में लेकर गई। बैठने के लिए और कुछ तो था नहीं, इसलिए एक फटी हुई चादर पर माझी को बैठा दिया। माझी बोली, शीला तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन के समय वहाँ उपस्थित रहती हूँ। बहुत दिनों से तुमको वहाँ पर नहीं देखा, तो तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए यहाँ चली आई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो मांझी के वचनों को सुन जब मांझी ने इस प्रकार से पूछा तो शीला ने अपनी सारी कहानी बता दी। मांझी बोली, बेटी तू परेशान मत हो, मैं तुझको माता लक्ष्मी के व्रत की ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसे करने से तेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मांझी ने विधि पूर्वक व्रत का सारा नियम बता दिया। शीला ने आंख बंद करके व्रत का संकल्प किया और जैसे ही आंख खोला मांझी अंतर ध्यान हो गई। अब शीला को समझते देर ना लगी कि यह और कोई नहीं
बल्कि स्वयं माता महालक्ष्मी ही थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। प्रसाद पाते ही शीला के पति की मनोदशा ठीक होने लगी और फिर धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ और पहले जैसा संयमी बन गया। कुछ ही दिनों में कड़ी मेहनत से उसने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया और माता लक्ष्मी की दया से सब कुछ ठीक हो गया। शीला ने 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्घाटन किया और फिर माता ने उसकी सारी मनोकामना पूरी कर दी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो जिस पर माँ की रहती दया, उस पर कभी कष्ट न छाया। भक्तजनों, माता लक्ष्मी की दया के बिना कैसा विद्वान व्यक्ति को हर जगह केवल अपमानित ही होता है। यहाँ तक कि अपने घर के और सगे संबंधी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इसका परम उदाहरण आप वर्तमान समय में अपने आसपास ही देख सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो जिनके पास नहीं है माया, उन पर कोई करे ना दाया। कन्याओं को खीर खिलाओ।
भक्त जनों, 7, 9, 11 या 21 शुक्रवार का व्रत कथा रहकर उद्यापन करना चाहिए। प्रसाद में केला अति उत्तम माना गया है। उद्यापन के दिन 7 या 9 कन्याओं को बुलाकर जो भावपूर्वक खीर का भोजन करवाता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय हो। माँ लक्ष्मी कष्टों को हरती, जीवन को खुशियों से भरती। जनों, माता लक्ष्मी के इस कथा को सुनने वाला भी व्रत के समान ही फल प्राप्त करता है और माता के व्रत को करने वाले को तो इसे विशेष रूप से ही सुनना चाहिए। अब हम इस पावन कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। जय माता लक्ष्मी की। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय।